हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से या फिर वे महिला जो पहले माँ बन चुकी है और जिनका बच्चा बहुत ही ज्यादा गोरा चिट्टा पैदा हुआ है, उनके मुंह से जरूर सुना होगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा गोरा पैदा हो तो आपको नारियल का सेवन रोजाना करना चाहिए। क्या इस बात में सच्चाई है? जी हाँ, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि नारियल के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो न केवल हमारी बॉडी को अंदर से पोषित करते हैं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है या फिर एनीमिया की बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से पूरी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और इसी के कारण चेहरा बहुत ही डल दिखाई देने लगता है, हमारा रंग भी काफी सांवला दिखाई देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वे इंसान जो अच्छे तरीके का खाना खाते हैं, अच्छे तरीके से पानी पीते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं, उनकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिसकी वजह से वो खुद तो सुंदर दिखते ही हैं और रंग भी गोरा गोरा दिखता है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका आने वाला बच्चा भी काफी सुंदर पैदा हो तो आप नारियल का सेवन कर सकती हैं। आप चाहें तो रोजाना कच्चे नारियल का पानी पी सकती हैं या फिर वह नारियल जिसे हम यूजुअली पूजा में चढ़ाते हैं उसका सेवन भी कर सकती हैं। नारियल दूध से बनने वाली खीर खा सकती हैं या फिर नारियल दूध से जो क्रीम बनती है उस क्रीम को आप केक या फिर पेस्ट्री के ऊपर लगाकर भी उसका सेवन कर सकती हैं। नारियल को काफी वेरिएशन के साथ आप अच्छे तरीके से सेवन कर सकती हैं। आप जैसे चाहें वैसे उसका सेवन कर सकती हैं। ऐसा करने से ना केवल आपका पेट भरेगा, ना केवल आपको पोषण मिलेगा, बल्कि 9 महीने बाद जब आपकी डिलीवरी का वक्त आएगा तो आपको रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलेगा। आपका बच्चा काफी सुंदर पैदा होगा। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।